अगर आप वचन का आदर करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं भी बहुत ही सफल हो जाएगी, क्योंकि आप बस वचन की प्रार्थना करेंगे। आपको बस यही कहना होगा, प्रभु तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ में कर। यही प्रार्थना स्वर्ग सुनना चाहता है। वो सारा रोना चीखना चिल्लाना और फिर रोना और चिल्लाना, ये नहीं, स्वर्ग सुनना चाहता है, प्रभु तूने ये कहा है तो अब इसे कर तेरे वचन के अनुसार। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11, चलिए मैं वचन 20 से पढ़ता हूँ। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा, और पत्रस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो उसने कहा है। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के जैसे विश्वास, ये शब्द वचन 22 से लिया गया है, जहां यीशु ने कहा परमेश्वर में विश्वास रखो। अगर आपके पास में अच्छी बाइबल है तो मार्जिन में यहाँ पर एक और अल्टरनेटिव रेंडरिंग है, और ये कहेगी परमेश्वर पर विश्वास रखो के बजाय परमेश्वर का विश्वास रखो। वो इस तरह का अनुवाद बताते हैं और ये बात बिल्कुल सही है।
क्योंकि यीशु यहाँ पर चेलों को यही बताने की कोशिश कर रहा है, देखो तुमने विश्वास किया कि अंजीर का पेड़ सूख जाएगा उसे सूखा देखने के बाद, और तुम चकित हो गए और मेरा ध्यान उसकी ओर ले गए, लेकिन मैं एक और तरह के विश्वास में काम करता हूँ। मैं विश्वास करता कि मैं जब भी कहता हूँ, जो भी कहता हूँ, वो पूरा होता है। जब मैंने कहा मैं जानता था कि ये हो जाएगा, इसलिए मुझे चौंकाने वाला नहीं है। और तुम भी ऐसे विश्वास में काम कर सकते हो। परमेश्वर के जैसे विश्वास रखो, मेरे जैसे विश्वास रखो, वो कहता है। यानी यह अनुवाद बिल्कुल सही है कि परमेश्वर के जैसे विश्वास रखो या परमेश्वर का विश्वास रखो सही है। देखिए, बहुत से लोग इस बात को देखते हैं और वो कहते हैं यीशु ने पेड़ से कहा। अब पेड़ से बात करें तो सोचते हैं कि ये पागल है, मेंटल हॉस्पिटल में डाल देंगे यदि पेड़ से कहे तो। ये कहता है कि यीशु ने पेड़ से कहा क्योंकि वो तो सृष्टिकर्ता है, वो परमेश्वर का पुत्र है जो इस संसार में आया, वो सृष्टिकर्ता है, इसलिए पेड़ से कहा। आपको क्या लगता है कि कौन है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये टीवी एड के जैसे हैं। आप कोल्ड ड्रिंक के बारे में वो एड देखते हैं जहां पर वो आदमी लंबी इमारत से कूदता है, 100 मंजिल की इमारत से ट्रक पर कूदता है, और फिर वो बस गिरने ही वाला होता है और वो पकड़ लेता है, वहां पर कोल्ड ड्रिंक पकड़ता है, इस कोल्ड ड्रिंक को पकड़ता और बस गिरते गिरते उसे पीता है, जानते हैं, नीचे गिरते हुए। और आपको लगता है ये मर गया, लेकिन ये पूरा ठीक है, एक भी खरोंच नहीं आई। अगर आप नीचे देखें तो वहां पर वो कहते हैं ये स्टंट माहिर लोगों के द्वारा परफॉर्म किया गया। हम सलाह देते हैं कि दर्शक घर में से करने की कोशिश न करें, ठीक है। अब यीशु इसे कर सकता था, यानी ये जो लोग कह रहे हैं वो सही है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो केवल पेड़ से बात कर सकता है और वही से कर सकता है, और हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यीशु ने उसके नीचे निश्चय एक नोट लिख देना था, घर में इसकी कोशिश न करना, मैं माहिर हूं और मैं इसे कर सकता हूं, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसकी कोशिश न करना क्योंकि तुम निराश हो जाओगे और परेशान हो जाओगे। इसके बजाय वो बड़ा नोट लिखता है, वो कहता है ये कहने के बाद जिस पेड़ को तूने श्राप दिया वो सूख गया, तो इसके बजाय ये नोट नहीं लिखा कि घर में कोशिश न करें, वो कहता है जो भी इस पहाड़ से कहता है कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में संदेह न करे, लेकिन ये विश्वास करे कि जो भी वो कहता है वो पूरा होगा, तो वो जो भी कहता है उसके लिए हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहता है इसकी कोशिश करो, दूसरे शब्दों में कहता है तुम भी ये करो, केवल मैं ही नहीं, तुम इसे करो, मैंने इसे किया, तुम भी ये कर सकती हो। मैं मनुष्य के रूप में आया क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ऐसे कैसे जिए, कोई मनुष्य नहीं जानता था कि उसके पास अधिकार है, आज कोई मनुष्य नहीं जानता है, पाप के कारण सभी मनुष्य नीचे रह रहे हैं और वो नहीं जानते हैं कि कैसे मनुष्य के रूप में अपने अधिकार का सारी सृष्टि के ऊपर उपयोग करें, इसलिए मैंने मनुष्य का रूप लिया है और मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ कि तुम्हें बताऊं कि मनुष्य क्या हो सकता है। मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे पेड़ से तुम कह सकते, तुम हवा से कह सकते हो, समुन्द्र से कह सकते हो, तुम बुखार से कह सकते हो, तुम बीमारी और रोगों से कह सकते हो, और वो तुम्हारी आज्ञा मानेंगी। क्या यह अद्भुत नहीं कि यहां पर बड़ा नोट रखता है, केवल कोशिश नहीं, इसे करे, इस तरह से जिए वो कहता है। लेकिन कुछ लोग कहते ओ नहीं नहीं नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र है, हमें इन बातों से खिलवाड़ नहीं करना है। कुछ लोग तो इसे छूते भी नहीं है, और जब भी किसी कारण से इसे छूते हैं तो इस तरह गड़बड़ी कर बैठते हैं। वो कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन चलिए मैं स्पष्ट करूं, देखिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 12 से पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। क्या आप विश्वास करेंगे? तो चलिए मैं आपको सच सच पर बता देता हूं। मतलब क्या मतलब? मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मतलब सच्चाई बताता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी मेरे जैसे ही काम करेगा और इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। अब उसने इसे क्यों इस तरह से कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं? उसे ऐसे कहने की जरूरत नहीं, वो हमेशा सच कहता है। बाइबल कहती है कि वो कभी झूठ नहीं कह सकता है। तो फिर इस तरह से क्यों कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं? क्योंकि वो जानता है कि इस तरह की बात पर विश्वास करने में हमें समस्या है। वो जानता है कि दूसरे ऐसे लोग होंगे जो आपको ये बताएंगे, नहीं तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम यीशु मसीह हो गए? तुम्हें लगता है तुम ये करोगे? वो कहता उन पर विश्वास मत करना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो वो सब करोगे जो मैंने किया है और इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो अच्छे से जानता है कि लोग और प्रचारक आपको बताएंगे, हर तरह के लोग आपको ये बताएंगे ये आपके लिए नहीं है, इसकी कोशिश मत करना, इससे गड़बड़ी मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं। वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे जैसे ही काम करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम वो करेगा। हाँ,
अद्भुत हैं। यीशु अपेक्षा करता है कि हम भी बिल्कुल उसी के जैसे जिए। एक जगह उसने कहा, जैसे मैं संसार में था वैसे तुम इस संसार में हो, हाँ तुम भी मेरे जैसे ही रहो। यही तो छुटकारे का अर्थ है। इसलिए उसने हमें छुड़ाया है, उसने उद्धार दिया है, हमें बचाया है। इसलिए नहीं कि बस पाप से हमें आजाद करे कि कल हम स्वर्ग में जाएं, लेकिन हमें पाप से आजाद करे कि हम फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, फलवंत हो जाए, इसे वश में कर ले और सारी चीजों पर अधिकार कर ले। इस पृथ्वी पर हम वो हो जाए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। आमेन। मेरे साथ में एक और वचन निकाली, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 19 से आगे पढ़ें। वही कहानी है। अंजीर का पेड़ सड़क के किनारे देखकर उसके पास आया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर और उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया, मतलब वो तुरंत ही सूख गया। ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, अब सुनिए वो कैसे कहता है, उसने शिक्षा सुनी है यीशु से। और वो से इस तरह लिखता है, यीशु ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। तो उसने यही शिक्षा सुनी और वो इस तरह से बताता है, और मुझे ये तरीका बहुत पसंद है। पहले वो कहता है, यदि तुम विश्वास करो और संदेह न करो, तो तुम केवल यही नहीं करोगे जो इस पेड़ के साथ में किया गया है, लेकिन यदि तुम इस पहाड़ से भी कहते हो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। केवल पेड़ से ही नहीं, लेकिन तुम पहाड़ से भी ये कर सकते हो। ये तो सामान्य सिद्धांत है। ये सिद्धांत तो केवल ये नहीं कि पेड़ या पहाड़ के बारे में है। सिद्धांत तो बस ये है कि जो कुछ भी आप कहोगे वो आपको मिलेगा। आप कह सकते हैं और वो जो भी कहा वो हो जाएगा। आप कह सकते हैं और जो भी आपने कहा वो आपको मिलेगा। ये सिद्धांत है। ये केवल पेड़ नहीं लेकिन पहाड़ भी, यहाँ तक कि पहाड़ से बड़ी चीज भी। सिद्धांत ही वो चीज है जिसे हमें देखना है और समझना है। अब ये सिद्धांत तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए ही अच्छा नहीं, ये तो परमेश्वर के पुत्र यीशु ने प्रकट किया। ये अंजीर के पेड़ का जो चमत्कार था, ये केवल प्रकट करके दिखाने के लिए ही था। यीशु अंजीर के पेड़ को क्यों श्राप देगा? कुछ लोग कहते हैं, खैर वो उसमें कुछ अंजीर देखने के लिए आया और कोई अंजीर न पाया इसलिए श्राप दिया, उसने उसमें कोई अंजीर नहीं देखे। साथ में ये भी कहता है कि उसमें अंजीर नहीं थे क्योंकि अभी अंजीर का ऋतु नहीं आया था। ये पेड़ की गलती नहीं है, पेड़ की कोई गलती नहीं थी। पेड़ अपना काम कर रहा था, वो ऋतु की राह देख रहा था ताकि वो अंजीर उत्पन्न कर सके। तो फिर यीशु ने क्यों जाकर उस पेड़ से कहा कि आपसे कोई मनुष्य तेरा फल नहीं खाएगा? ये इसलिए कि वो चेलों पर ये प्रकट करना चाहता था, वो विश्वास सिखा रहा था, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उसे कुछ दिखाना भी जरूरी था। उन्हें कुछ देखना था, यानी उसके कुछ चमत्कार वो देखने में मदद होने के लिए थे, उस ऑडियो शिक्षा के लिए जो वो सिखा रहा था। वो विश्वास पर सिखा रहा था और वो चाहता था कि देखे ये कैसे काम करता है। वो चाहता था कि वो देखे कि वो पेड़ से कुछ कह रहा है, और वो चाहता था कि देखे अगले दिन जब वो उस तरफ से आए, वो अंजीर के पेड़ को देखे और जो कुछ उसने कहा वो पूरा हो गया है। वो चाहता है कि उसका वो अनुभव करें सच में जीवन में। वो चाहता है कि उससे देखें। वो चाहता है कि वो उसके दिखने वाले प्रकटीकरण को देखें। मुझे याद है स्कूल में शिक्षा का आनंद आता था जब वो अच्छा सिखाते, लेकिन विजुअल्स मुझे पसंद आते थे। जिस स्कूल में मैं गया था ऑडियो विजुअल हॉल था वहां पर, वो कुछ अच्छे वीडियोस दिखाते थे, अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते और इतिहास की चीजें। मैंने सच में उसका आनंद उठाया डॉक्यूमेंट्रीज देखकर। सच में मुझे तो डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है विजुअल्स के कारण। यीशु जानता था कि सबसे अच्छे शिक्षक जो है आंखों और कानों का उपयोग करते हैं। ये दोनों दिमाग के लिए द्वार हैं और दिल के लिए भी, यानी वो दोनों साधन का उपयोग करता है, यानी वो विजुअलाइजिंग करता है, मदद करता है कि वो इसे देख सके। तो वो कहता है, यदि तुम पहाड़ से कहो, केवल पेड़ से ही नहीं, चाहे वो पहाड़ हो कोई फर्क नहीं, यदि तुम पहाड़ से कहो, सब लोग कहे। मरकुस 11:23 में ये कहना शब्द 3 बार आता है। जो कोई भी इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और वो अपने दिल में संदेह नहीं करे लेकिन विश्वास करे कि जो भी कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा जो कहा है। यानी कहना 3 बार आता है। कहना इतना महत्वपूर्ण है कि एक वचन में ये 3 बार दोहराया गया है। विश्वास करना 1 बार बताया गया है, लेकिन कहना 3 बार बताया गया है। कहना इतना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि बस आप अपनी समस्या के सामने खड़े रहकर ये काम ना करें कि ये चले जाएं।
जो चाहे कामना कर सकते हैं, बहुत से लोग कामना करते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आप अपने पहाड़ के सामने खड़े रहकर रोते रहें, रोने से कुछ नहीं बदलता है, चिंता चिंता से कुछ नहीं बदलता है। आप पहाड़ के सामने खड़े रहते हैं और पहाड़ से कहते हैं क्योंकि प्रभु ने आपको ऐसे बनाया है। देखिए, मनुष्य के बारे में विशेष बात कि वो बोलने वाला व्यक्ति है बिल्कुल परमेश्वर के जैसे ही। वो अपने शब्दों को चुन सकता है, उन शब्दों को कह सकता है और उन शब्दों के द्वारा रचना करके उसे जानबूझ के बोल सकता है कि अपने संसार को आकार दे। इब्रानियों 11:3 कहता है कि प्रभु ने अपने शब्दों के द्वारा इस संसार को बनाया। और आप और मैं तो सच में प्रभु का वचन लेकर अपने जीवन को आकार दे सकते हैं, सफलता ला सकते हैं असफलता के बजाय, तंदुरुस्ती ला सकते हैं बीमारी से दूर होकर तंदुरुस्ती में आ सकते हैं, ला सकते हैं आर्थिक संपन्नता, अपने लिए बना सकते हैं एक खुश पारिवारिक जीवन, बनाए अच्छे बच्चे और उनके लिए अच्छा भविष्य। इन चीजों को बनाते जाएं। हम इस तरह से बनाए गए हैं और ये तो मनुष्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो चुन सकते हैं, वो सोचकर चुन सकते हैं शब्दों को और शब्दों के द्वारा अपनी इच्छा को कह सकते और वो जो भी चाहते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते, इसलिए कहना तो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन ये नहीं कहता कि यदि तुम कहोगे तो ये पूरा हो जाएगा। मैं यही तो बताना चाहता हूँ, आज इस मुद्दे पर बताऊंगा। ये नहीं कहता कि बस जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो उसने जो कहा वो हो जाएगा। नहीं, वो इस तरह से नहीं कहता कि बस कहो तो ये हो जाएगा। नहीं, उसने कहा अगर तुम इसे कहो और कहने के बाद में अगर अपनी बात नहीं बदलते, इसे कहने के बाद में अगर आप संदेह नहीं करते, इसे कहने के बाद में आप अविश्वास नहीं करते हैं, इसे कहने के बाद में आप इसके विपरीत में कुछ नहीं कहते हैं, इसे कहने के बाद आप इसके विपरीत कुछ नहीं कहते हैं, इसे कहे लेकिन अपने दिल में संदेह न करें। कैसे जानेंगे कि किसी के दिल में संदेह है? जो कुछ भी दिल में भरा होता है मुंह से निकलता है। आप व्यक्ति के मुंह में देखिए, वही तो उसके दिल में होता है। बहुत आसान है, बहुत से लोग कह रहे हैं चिंता डर और ये सारी बातें, तो ये दिखाता है कि उनके दिल में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास वाला व्यक्ति अपनी चिंताएं नहीं कहता है। शायद चिंता मन में कभी एक हाथ बार आ जाए, उसके मन में एक झलक दिखलाकर जाए, लेकिन वो उसे कहने से इनकार करेगा क्योंकि उस विचार को लेना नहीं चाहता है। याद है यीशु ने कहा विचार को न लेना, ये कहते हुए कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा और मैं क्या पहनूंगा, इस विचार को न लेना। आप विचार को कैसे लेते हैं? आप विचार को कहने के द्वारा लेते हैं। शायद वो आपके मन में एक हाथ बार आए लेकिन अगर आप उसे कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आपके दिल के अंदर चला गया है। यानी कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कहना बहुत महत्वपूर्ण है। और मसीह विश्वासियों का कहना सीखना है, सीखना है कि कहने में कौन सी सामर्थ है। अपने शब्दों की सामर्थ के बारे में सीखना होगा, सीखना होगा, लेकिन ये काफी नहीं है। लेकिन विश्वास सीखना होगा, उन्हें सीखना होगा कैसे। शक और अविश्वास उन्हें वो पाने से रोकता है वो सब जो कुछ परमेश्वर उन्हें सच में देना चाहता है। यानी केवल कहना काफी नहीं है, आपको बिल्कुल डगमगाना नहीं है। मेरे साथ निकाले याकूब 1:5। यदि बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलहाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यदि आप बुद्धि मांगे तो आपको मिल जाएगी कहता। कितने लोग जानते बुद्धि कुंजी है सफल जीवन के लिए। प्रभु एक दिन सुलेमान के पास आकर कहता है तुझे क्या चाहिए। हम में से कुछ लोग तो बड़ी सूची तैयार करने में लगते, कहते प्रभु कल इसी समय आना, मैं लिस्ट तुझे बता दूंगा, मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, इस समय मुझे याद नहीं आ रही है, अभी याद नहीं आ रही, जानते हैं। प्रभु ने पूछा तुझे क्या चाहिए और इसके पास बिल्कुल उत्तर ऐसे ही तैयार था, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए ताकि मैं इन लोगों का सही न्याय कर सकूं, ताकि मैं जानूं कि मैं कैसे इन लोगों के बीच में चलूं और कैसे अपने आप को संभाले रखूं। मैं तो एक जवान राजा हूं, मैं जानू कि कैसे इस जीवन में काम करते हैं, मुझे बुद्धि दे। कहा प्रभु ने कहा जो तूने मांगा वो बुद्धि तुझे दूंगा, लेकिन तुझे वो धन भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा है। क्योंकि बुद्धि, देखिए बहुत से लोग धन मांगते हैं लेकिन बात तो ये है कि बुद्धि हमेशा पैकेज के रूप में आती है। नीति वचन 8 कहता है कि बुद्धि अपने दोनों हाथों में कुछ लेकर आती है, एक हाथ में तो दीर्घायु और दूसरे हाथ में धन है, दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन। प्रभु उसे सही दृष्टिकोण में रखता है। क्यों? दाहिने हाथ में दीर्घायु का जीवन है, क्योंकि दीर्घायु के बिना धन का क्या लाभ है। हाँ, यानी दीर्घायु चाहिए और दीर्घायु का आनंद उठाने के लिए धन भी चाहिए, तो पहले क्या है? दीर्घायु पहले है, धन बाद में है। यानी परमेश्वर सब सही दृष्टिकोण में रखता है। देखिए, और जब आपके पास में बुद्धि होती है तो सभी बातों को सही दृष्टिकोण में रखने की चिंता नहीं है। तो याकूब कहता है कि यदि तुम्हें बुद्धि की घटी है तो मांगो, प्रभु बिना उल्हाने किए देगा, मतलब वो डांटेगा नहीं बुद्धि के लिए,
वो नहीं कहेगा तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, ये चाहिए, नहीं नहीं, वो बिना उल्हाने की देगा, मतलब वो डांटेगा नहीं, लेकिन वो उदारता से देगा जो भी परमेश्वर से बुद्धि मांगे। अब इसे सुनिए, वो विश्वास से मांगे। हाँ, यहाँ पर एक और शर्त है, लेकिन वो विश्वास से मांगे। जब भी आपको प्रभु से कुछ मांगना है, प्रभु से कुछ पाना है, तो विश्वास से मांगना है। वो विश्वास से मांगे बिना डगमगाए, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि उन्हें प्रभु से कुछ मिलेगा क्योंकि वो सारी रात प्रार्थना में गए थे। बहुत से लोग सोचते हैं वो प्रभु से पाएंगे क्योंकि उपवास और प्रार्थना की है। अब जब मैं प्रचार करता हूं तो लगता है कि लोगों पर बम फेंक रहा हूं, और कई बार फेंकना भी चाहता हूं। उन पर कुछ समय तक बम बरसते जाए, यह उनके लिए अच्छा है, सत्य का बम उनके ऊपर में आ जाए। अब उपवास अच्छा है क्योंकि ये आपके दिल को सही करता है, प्रभु के साथ आप समय बिताते हैं, क्योंकि आप प्रभु से कुछ सीखने वाले हैं और आप परमेश्वर की ओर से निश्चय कुछ न कुछ सुनेंगे। यानी उपवास बुरा नहीं है, उपवास आपके लिए अच्छा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि बस मैं उपवास करूं तो मुझे कुछ मिलेगा, तो आपने गलत समझा है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग उपवास करते हैं पूरा दिन भर, लेकिन हफ्ते के पूरे बाकी दिन वो केवल संदेह कहते जाते हैं। सोमवार को उपवास करते, मंगलवार से रविवार तक संदेह कहते जाते हैं, जैसे उन दिनों में हम करते थे। रविवार को चर्च में जाकर गाते, केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो, सब कुछ संभव है, और जैसे चर्च से बाहर आए तो कहते, मेरे प्रभु ये संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है, मेरे लिए कुछ काम नहीं करता है, मैं असफल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, और मुझे कुछ भी पता नहीं, जानते हैं मैं बहुत कमजोर हूँ, थक चुका हूँ, इस तरह से हम कहते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि ये बुरा है, हमने सोचा हम प्रभु से कुछ पाएंगे। कल हमने उपवास किया था और परसों तो हम सारी रात प्रार्थना में गए थे, तो हम सोचते हमारी ये होल नाइट प्रेयर और उपवास को परमेश्वर देखेगा और वो कहेगा ठीक है, चलो अटेंडेंस लेते हैं, देखते हैं ये सारी रात प्रार्थना में था या नहीं, देखो क्या उपवास प्रार्थना में आया था, ठीक है फिर इसकी विनती पूरी करेंगे। देखिए, परमेश्वर ऐसा घटिया व्यक्ति नहीं है। मैंने कहा उपवास अच्छा है क्योंकि आपके दिल को सही करता है, आप प्रभु से सुन सकते हैं, बहुत सी बातें सीख सकते हैं, उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, और इसके बाद में आप बेहतर होते हैं, उपवास के पहले से बेहतर होते, यहां तक कि सारी रात प्रार्थना भी अच्छी है अगर प्रार्थना करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आपको चौंका देगा, परमेश्वर की दृष्टि में और ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रार्थना से भी बढ़कर। इसलिए मैंने कहा कई बार जब प्रचार करता हूं तो लगता है बम डाल रहा हूं, बम के लिए तैयार हो जाएं। प्रार्थना से भी बढ़कर महत्वपूर्ण और कुछ है, और वो है परमेश्वर का वचन। देखिए, ये कहने के लिए मुझे आप गलत मत समझिए, आप आगे जाकर इस तरह से मत कहिए ये प्रार्थना में विश्वास नहीं करते हैं, जानते हैं इन्हें प्रार्थना पसंद नहीं है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि आपका कहना है कि प्रार्थना नंबर एक है, प्राथमिकता होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं वो आपकी पहली प्राथमिकता ना हो, वचन नंबर एक पर होना चाहिए। मैं प्रभु वचन के अधिकार पर इससे कहता हूं, वचन पहले स्थान पर क्यों होना चाहिए, क्योंकि वचन ही है जो आपकी प्रार्थना को सफल बनाता है। वचन के बिना आप क्या प्रार्थना करेंगे? बाइबल कहती है, यीशु ने पहाड़ी उपदेश में सिखाया, दूसरे लोगों के जैसे प्रार्थना मत करना, केवल कुछ बड़बड़ाना नहीं। बहुत से विश्वासी तो बस केवल कई बार बकबक करते रहते हैं, बस बड़बड़ाते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को ले। जानते हैं स्वर्ग में ज्यादा आदरणीय क्या है? आपके उपवास से भी बढ़कर, सारी रात प्रार्थना से बढ़कर, और कई घंटों तक प्रार्थना करने से बढ़कर, स्वर्ग में जिसका आदर किया जाता है, स्वर्ग जिसका आदर करता है, वो वचन है। आप बस वचन कहे, सारा स्वर्ग उसकी ओर ध्यान देगा। आप बस वचन कहे, परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत आपके काम करने के लिए लग जाएंगे, क्योंकि भजनकार ये कहता है कि वो तो बिल्कुल तैयार है कि वो सब करे उस आवाज के अनुसार, उनके जो विश्वास करते हैं प्रभु वचन की आवाज के अनुसार। यहां पर वचन है, मैं बस इसे आवाज देना है। जब आप विश्वास करते, इसे लेते और इसे कहते हैं, तो स्वर्गदूत तैयार होते कि जाए और इसे आपके लिए करें। यही तरीका है, ऐसे ही। यानी परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा सम्मानित है। यदि आप प्रभु वचन का आदर नहीं करते तो मैं आपसे कहूं आपके पास कोई भविष्य नहीं, क्योंकि प्रभु वचन ने ही सब कुछ बनाया है। यदि आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते तो देखिए, परमेश्वर का वचन ही है जो सब कुछ संभाले हुए हैं।
और मैं आपसे कहूं अगर वचन का आदर नहीं करते तो आपका कोई भविष्य नहीं है, अगर आप वचन का आदर करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं भी बहुत ही सफल हो जाएगी, क्योंकि आप बस वचन की प्रार्थना करेंगे। आपको बस यही कहना होगा, प्रभु तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ में कर। यही प्रार्थना स्वर्ग सुनना चाहता है। वो सारा रोना चीखना चिल्लाना और फिर रोना और चिल्लाना, ये नहीं, स्वर्ग सुनना चाहता है, प्रभु तूने ये कहा है तो अब इसे कर तेरे वचन के अनुसार। इससे बड़ी सामर्थ्य और कोई प्रार्थना है ही नहीं। Jesus, in a-